टू माई चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो गए, मस्त भी हो गए। तो आ गई हूँ मैं फिर से आप लोग के लिए न्यू रेसिपी लेके। जी हाँ, न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, दिवाली अभी गई है, और दिवाली अभी गई है तो हमारे घर में लैया चूड़े केले बहुत ज़्यादा पड़े होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी एक मज़ेदार सी रेसिपी बनाई जाए। जी हाँ, मज़ेदार सी रेसिपी बनाई जाए, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है, हमारे बहुत से घर में ऐसा होता है लैया केले चूड़े जो है वो नहीं खाते हैं, ऐसे पड़ा रहता है और सड़ जाते। तो मैंने सोचा क्यों ना उनका जो है मज़ेदार सी एक चटपटा सा नाश्ता नमकीन बना दी जाए। तो वो नमकीन क्या है उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्चुअली मैं जो है ना सोचती थी कि बहुत से लोग इन्हें फेंक देते हैं, मैंने बहुत से घर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका मज़ेदार सी नाश्ता बना दिया जाए, क्योंकि जो है शाम के टाइम पर जब चाय पीते हैं ना कुछ चटपटा सा खाने का मन होता है, और मुझे तो भैया मेरे घर में तो सबको चटपटा खाने का मन होता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए क्यों ना वो मज़ेदार सी रेसिपी जो है बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। चलिए बनाते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दिवाली पे आई हूँ जो लाई होती है उसे लिया है, इसे मुरमुरे भी बोला जाता है, हम लोग तो लैया बोलते हैं इसे। और ये मैंने मोटे वाले दाने के लिए, तो इन्हीं से हम चटपटा सी नमकीन बनाएंगे शाम के नाश्ते के। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम मोटे दाने की लाई है। बहुत से पतले दाने की भी लाई आती है, बट मैंने जो है मोटे दाने की लाई ली है, क्योंकि हम लोग को घर में ना इसी तरह की लाई पसंद होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मूंगफली लिया है, अगर आपके पास जो है सूखा गरी है वो भी आप ले सकते हैं, बट मैं इन्हीं से ही चटपटा सा नाश्ता बनाऊँगी शाम के टाइम का, ताकि जो खाते ही ना मज़ा आ जाए शाम के लिए। चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसे अच्छे से जो है पोंछ भी लिया, क्योंकि इसमें क्योंकि जब भी मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ तो पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है एक बड़े जो तेल वाला चम्मच होता है उसी से ही एक चम्मच जो है मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, बट मैंने सरसों का ऑयल लिया। ये देखिए मैंने वॉलपेपर लगा लिया, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो बहुत से पहले वॉलपेपर ख़राब हो गया था, तो दिवाली जब सफाई में तो मैंने उसमें निकाल दिया था, बट जो है अब मैंने इसे लगा दिया वॉलपेपर। अब मैं मूंगफली को जो है ना फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि जो है ज़्यादा फ्राई कर दे तो अच्छी भी नहीं लगती, एकदम जल जाती है। तो मैं थोड़ा ही इसे धीमी आंच पे ही मैंने फ्राई करूँगी। और मैंने जो है ना ये वाली जो नमकीन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, मैं लैया का कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और अपने घर में भी सबको खिलाती हूँ, क्योंकि घर में सबको बहुत पसंद आता है। लाई का सब खासकर भेलपूरी बहुत पसंद आता है, स्कूल के टाइम पर हम लोग तो बहुत ही खाते थे, मैं तो डेली खाती थी स्कूल के टाइम पर। लैया चना हम लोग बोलते थे, हम लोग कहते थे अंकल जी लैया चना दे दीजिए, तो उसी का ही। तो ये देखें मैं इसे मूंगफली को फ्राई भी कर रही हूँ, साथ साथ बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे तारक मेहता चल रहा है, और काम करते करते तारक मेहता देखना किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो रही है। एक्चुअली बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मूंगफली का छिलका निकाल देते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्पेशली जब उसमें काला नमक छिड़क के खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने इतनी ही मूंगफली ली, अब मैंने तो लाई तो अपने हिसाब से ही ली है, अगर आपके घर में जितने लोग आप उतने हिसाब से भी ले सकते, बट मेरे घर में सबको नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने जो है अपने हिसाब से ही नमकीन ली है। तो हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गई है, तो हम इसे अब निकाल लेंगे। तो अब हम उसी तेल में जो है करी पत्ता को भी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मैंने करी पत्ता डाल दिया, ये हमारे घर के गार्डनिंग में करी पत्ता लगा हुआ है, तो मैंने दो इसकी करी पत्ता का लीव्स ली थी, तो उन्हीं को ही मैं इन्हें जो थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि करी पत्ता डालने से ना स्वाद नमकीन का दोगुना हो जाता है। तो इनको भी मैं हल्का हल्का करके फ्राई कर लूँगी। तो ही बातों में कैमरा कब ऑफ हो गया मुझे पता भी नहीं चला, और लाई डालते समय वो कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं पाया। तो करी पत्ता के बाद मैंने डायरेक्ट ही लैया डाल दी थी, और इन्हें भी अच्छे से एकदम जो है फ्राई करूँगी, ताकि करारा हो जाए। एक्चुअली करारा तो पहले है, बस थोड़ा सा और रोस्ट करने से इन्हें थोड़ा और इसमें करारापन आ जाता है, तो मैं इन्हें फ्राई करूँगी। आपने देखा होगा मार्केट में जो है इसको बालू से ऐसे भूजते हैं, तो बट मैं बालू से तो नहीं भूजूँ, क्योंकि मेरे पास बालू तो है नहीं, तो मैंने ही धीमे ही आँच करके इसको भूनूंगी, और मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक
छोटे चम्मच से जो है हल्दी ली है वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा ऊपर से डाल रही हूँ ताकि आपको कैमरे में रिकॉर्ड हो सके, सब कुछ दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं हल्दी ना पसंद हो तो। और यहाँ पे देखिए मैंने एक चम्मच जो है पीसी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी मुझे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने आप घर में पहले भी आप लोग को ब्लॉग में बताया हुआ है। तो ये देखिए मैं डाल के इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। आप यहाँ चाहे तो भुना हुआ जीरा है, चाट मसाला है वो डाल दें, पर मुझे चाट मसाला वो नहीं वो डालना है। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में चाट मसाला मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालूँगी। और उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर में नमक भी डालूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर भुना हुआ जीरा है, पीसी हुई काली मिर्च है वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है लाई में स्पेशली डालना, तो मैं नहीं डालूँगी। तो अब मैं देखिए यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालूँ। एक्चुअली नमक हमेशा कम ही रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह की नमकीन बनाते हैं ना, तो जो नमक होता है वो कढ़ाई के नीचे बढ़ जाता है और लाई ऊपर आ जाती है। तो मैंने हमेशा जब भी ये इस तरह की नमकीन बनाती हूँ ना, तो नमक को हमेशा एकदम कम ही रखती हूँ, ताकि अगर तेज हुआ हो तो हम जो है उसे निकाल तो नहीं सकते, बट हाँ कम हो तो उसे हम डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको कड़ी पत्ता भी दिखा रही हूँ, तो इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि हमारे मसाला नमक सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने उसको बाउल में लाई को निकाल लिया, और ये देखिए एकदम बन चुकी है। अब हम इनमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए करारी करारी लग रही है ना, एकदम करी पत्ता भी दिख रहा है। ये देखिए मैंने कुछ नमकीन लिए, ये भाई से मैंने मंगाई थी तो इसने ये ला के दी है। ये जो हम लोग बेसन टाइप का होता है ना नमकीन, ये वो है वाली नमकीन है, एक्चुअली इसका मुझे नाम तो नहीं पता है। और ये मिक्स वाली नमकीन है, सेव है, पपड़ी है, एक्चुअली मुझे तो अब मूँगफली है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गई, बातों बातों में हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम ही लोग को खाना है इसे। तो चलिए अब इसकी मज़ेदार सी चटपटी सी नाश्ते, तो चलिए मज़ेदार सी चटपटी सी इसे बनाते हैं और शाम के नाश्ते के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो मूँगफली मैंने फ्राई की थी वो ऐड कर दी थी, एक्चुअली बातों बातों में ये कुछ ज़्यादा ही हो गई, कोई बात नहीं हम ही लोग खाएंगे घर में इसे। उसके बाद यहाँ पर ये जो डालमोट है वो मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पर इसे हमने ऐड कर दिया। आप चाहे तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास यही थे। यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया है एकदम सेव जैसा। तो अब इन सबको मैंने ऐड कर दिया, मैं चम्मच से चला रही हूँ, अच्छी चम्मच से नहीं चल रहा, तो अब मैं ट्रिक लगा रही हूँ अपने दिमाग की तो कि इसको कैसे मिक्स कर दिया जाए। तो चलिए दिखाते हैं वो वाली ट्रिक आपको। तो यहाँ पे मैंने नमकीन के डब्बे को ये देखिए बंद कर दिया है, और इसी को मैं अच्छे से हिलाऊंगी ताकि हमारी सारी नमकीन मसाले सब कुछ एडजस्ट हो जाए। ताकि ये देखिए पकड़ के मैंने ढक्कन, ताकि ये बाहर निकले भी ना, और इस तरह मिला दूंगी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा एक साथ। तो इसे मिलाते रहेंगे हम अच्छे से। तो अब हम इस डब्बे को खोलते हैं, ये देखिए सब मिक्स हो गया, कैसा लगा आपको? अगर आपको ये वाली नमकीन अच्छी लगी, शाम के मज़ेदार चटपटी सी नमकीन अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए इस तरह की वीडियो दिखाने के लिए, कोई पैसा नहीं रखता, सबके घर में इस समय लैया होगा ही, तो उसे जो नहीं खाता हो अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो वो दीवाने हो जाएंगे आपके। तो प्लीज़ इस तरह से नमकीन बनाइए, वेस्ट होने से बचाइए। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके घर में इस तरह की नमकीन ना खाता हो चटपटी सी, वो भी खाने लगे और लैया को वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।